दार्जिलिंग की भूमि में हमारे बीच 1008 ऐसे बहुत बड़े संत महाराज कालिदास जी का मैं सभी जनता की ओर से आदरपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम सब के आप अभिभावक हैं और मूल हम लोग गोरखा हैं, और हम सबको ये बड़ा आनंद होता है कि एक गोरखा समाज में से एक इतने प्रसिद्ध संत हुए हैं, और जो सिर्फ हमारे समाज में ही नहीं पूरे जो है भारतवर्ष में और पूरे विश्व में लोकप्रिय है। और ऐसे संतों के चरण आज दार्जिलिंग और महाकाल धाम में पड़े, उससे हमको ऊर्जा मिली और साथ ही जिस लक्ष्य की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं उसमें जो भी उनसे सुझाव और उनसे मार्गदर्शन हो सकता था वो सब हमको प्राप्त हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि धर्म संस्कृति परंपरा ये हमारी आत्मा है, और आत्मा जब तक जीवित है हम सब लोग अक्षुण्ण है। और मैं पुनः एक बार उनका इस पवित्र धरती पे स्वागत करता हूँ। आप पधारे और हम सब की शोभा बढ़ाई, और जो है आपके आशीर्वचन भी हम सबको सुनने को मिलेगा। इसके लिए मैं आपका पुनः समस्त जनता की ओर से इस पवित्र धरती पे स्वागत करता हूँ। दार्जिलिंग के विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे, जो इशू के लिए आपको भेजा तो बात भेज चुका है दार्जिलिंग? मैं कर रहा हूँ, मैं दार्जिलिंग की जनता का ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार सांसद चुना। और इस बार फिर मैं कहता हूँ, आपको गर्व होगा कि आपने जो है एक अच्छे सांसद को चुना। जैसे पिछले 5 साल में आपको ये नहीं लगा कि आपका वोट बेकार गया, ऐसे इस 5 साल में भी आपको वो अनुभव नहीं होगा। ये मेरा संकल्प है और ये मेरा आपके साथ वचन है। जहाँ तक गोरखाओं से जुड़े हुए अलग राज्य का मुद्दा है या स्थायी समाधान का मुद्दा है या जनजाति का, जो कोर मुद्दे हैं वो ट्रैक पे है, लेकिन पिछले कुछ समय से गृह मंत्रालय में उसको लेकर के वार्ता अभी हुई नहीं है, क्योंकि बीच में मणिपुर का कुछ कांड आ गया था, फिर चुनाव आ गया था, चुनाव समाप्त हो गया, अब 2 महीने भी बीत चुके हैं और वो ताला जल्दी खुलने वाला है। और मेरा ऐसा मानना है किसी भी समाधान के लिए बातचीत परामर्श सबसे अहम होता है, और इस बीच में मैं गृह मंत्री से भी मिला हूँ और जल्दी वार्ता की जो है प्रथा शुरू होगी और हम समाधान तक पहुँचेंगे। मैं पुनः आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ, जिस सपने को जिस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं वो बड़ा है, और जो है उसमें समय और प्रतीक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमने बहुत धैर्य के साथ जो है वो हमने प्रतीक्षा भी की है। और हमेशा हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको केंद्र की सहायता की आवश्यकता पड़ी है, और केंद्र चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो आपका गठबंधन के साथी भी रुट चुके जो भी थे वो, ऐसा है कि देखिए हवा में क्या चल रहा है उसके माध्यम से परसेप्शन नहीं बन सकता। हमारे एक गठबंधन के साथी मैं कल ही दिल्ली में मिल के आया हूँ, और बाकी सब गठबंधन के साथी के भी संपर्क में हूँ, और किसी ने कोई रूठा है ऐसा मैंने तो नहीं देखा। हाँ, GNLF ने काला झंडा का एक कैंपेन शुरू किया है, उनका कहना है कि समय बहुत अधिक लगा और वो केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे मुद्दों का समाधान जल्द से जल्द हो। मुझे लगता है उसमें कोई गलत नहीं है, और उनके काले झंडे दिखाने से और केंद्र जल्दी कर देता है उसमें फायदा जनता का और मेरा भी है। ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन मेरा एक सांसद होने के नाते, एक गोरखा पुत्र होने के नाते समस्त समाज को, अपनी जाति को, अपनी लोगों को एक मुष्ट बना करके रखूं, और जिस नेतृत्व
की आवश्यकता है, उस नेतृत्व को पूर्ति के साथ सब मिलकर के हमारे समाधान तक हम पहुंचे, ये मेरा प्रयास है, वो जारी रहेगा। और मेरी तरफ से आपको कभी भी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा जिसके कारण से आपको ब्रेकिंग न्यूज मिले। जैसे अनिल थापा ने बोला कि 26 के आगे जो डिमोलिशन हो रहा है उसमें 9 MLA वो लोग डिमांड करेंगे और 1 MP अलग। देखो, डिलिमिटेशन के लिए जो भी सुझाव अनिल थापा को देना है दे, और मैं कहता हूं जो वो डिमांड कर रहे हैं और वो डिमांड की एक कॉपी मुझे भी दे, क्योंकि सबसे ज्यादा उनकी सहायता मैं ही कर सकता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि जो पिछले दिनों 70 और 80 के दशक में जो हमारे साथ अन्याय हुआ वो इस बार न्याय होना चाहिए। और 9 होंगे कि 2 सांसद होंगे, 3 सांसद होंगे, अभी समय है। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, ऑलरेडी 6 महीने से मैं एक टीम उसके ऊपर में काम कर रही है, हमारे गठबंधन के साथी भी उसमें कुछ कुछ सुझाव दिए हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी होगा अपनी क्षेत्र की जनता के हित में वो डिलिमिटेशन का काम होगा, आप निश्चिंत रहे। उन्होंने कहा ट्राइबल जनजाति का भी वो मुद्दा अपने ऊपर ले लिया, क्या आप सपोर्ट करेंगे? मुद्दा था वो, ऐसा ही देखिए, वो मुद्दा केंद्र का ही है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपने बड़े भाई को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन बंगाल हमारे साथ नहीं है, कभी तो मान लो, आज मान लो, जितना जल्दी मानोगे उतना ही अच्छा है। और बंगाल कभी भी हमारे साथ है नहीं, ना CPM था ना आज की TMC है, और वो रहेगी भी नहीं, क्योंकि बंगाल को जितना हमें कष्ट मिलता है पश्चिम बंगाल की सरकार को उतनी खुशी मिलती है, उतनी ऊर्जा मिलती है। सो हमें अपना घर, हमें अपना लक्ष्य स्वयं ही तय करना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी 2 मुद्दे सबसे प्रमुख है और उसका समाधान कभी भी अनिल थापा जी कर नहीं सकते। जो भी क्षेत्र के हित में, जनता के हित में होगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जब भी मैं सदन में अपनी जाति की, अपनी समाज की, अपनी क्षेत्र की बात कहता हूं, उनको भी खड़ा रहना चाहिए। आरजी कर का अभी जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में और CBI से भी हुआ है, लेकिन TMC का कहना है कि CBI तो अंदर उनके सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इतना दिन हो चुका है तो भाई TMC के नेता ममता बनर्जी CBI को दोष क्यों दे रहे हो? बाप तो आपके नेतृत्व में हुआ है, रेप और मर्डर आपके नेतृत्व में हुआ है। प्रदेश का मुखिया कौन? ममता बनर्जी। CM कौन? ममता बनर्जी। होम मिनिस्टर कौन? ममता बनर्जी। पुलिस किसके अंडर? ममता बनर्जी के अंडर। हेल्थ मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य विभाग किसके अंडर? ममता दीदी के अंदर। मुखिया आप हो, सबसे बड़ी गुनाहगार आप हो। और उसके बाद जो घटनाक्रम घटी, घटना घटती है उसके बाद जो क्राइम सीन को हटाया गया, 8000 गुंडों को भेजा गया, उसको तोड़ा गया, और उसके साथ ही जितने भी उस कांड से रिलेटेड सबूत थे उस सबको नष्ट कर दिया गया, और आज आकर के छाती चौड़ा करके आप CBI को दोष देते हो, इसका अर्थ ये है कि आपके डे वन से आपके मन में खोट था, आप चाहते नहीं थे कि न्याय मिले, उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिले, आप इस पक्ष में थे। लेकिन CBI जिस दिन उसका पूरा जांच कंप्लीट होगा उसके बाद आप देखना जो भी इससे जुड़े हुए वो सब सलाखों के पीछे होंगे। मेरा ऐसा मानना है अपराधी जो है, जिसने किया है, उसके साथ ही उससे भी बड़ी अपराधी अगर कोई है तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। आरजी कर के विषय में जो BJP ने देश भर जो प्रोटेस्ट किया, ये आरजी कर का घटना का प्रोटेस्ट आंदोलन ये BJP का नहीं है, जनता का है, पूरे पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता का है, भारत वर्ष का है। एक जिम्मेदार पार्टी के होने, जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, पश्चिम बंगाल में एक जिम्मेदार विपक्ष पार्टी होने के नाते ये हमारा फर्ज है, हमारी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी आवाज हम बने। सिमिलर केस मणिपुर, मुझे लगता है, मुझे लगता है अनिल थापा को भी इसके विरोध में और आंदोलन और मशाल जुलूस निकालना चाहिए। रही बात मणिपुर की, आप सब जानते हैं मणिपुर भारतीय जनता पार्टी के साथ कारण नहीं हुई है, हाईकोर्ट के जो एक जजमेंट था उसके कारण हुआ है, जातीय हिंसा घटी है। और अभी जो है गृह मंत्रालय के अंडर में जितने भी सिक्योरिटी है, DGP से लेकर के तमाम चीज जो है गृह मंत्री के हाथ में है, और उस दिशा में तेजी के साथ बढ़ा और शांति ऑलमोस्ट हो गई थी, लेकिन कुछ घटनाएं फिर पिछले 5 दिन में घटी है। केंद्र सरकार पूरी तरह जो है अलर्ट है, और जब भी ऐसा लगेगा केंद्र को और हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ेगी वो अवश्य करेगी। मणिपुरी क्यों, कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से लेकर पूरा कच्छ तक भारत एक है, सब हमारा है। इसी तरह का केस तो दार्जिलिंग में भी बहुत हुआ, आपने एक बयान भी नहीं दिया, क्या चीज का? रेप का, मॉलेस्ट्रेशन का, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। देखिए, किसी को तो ये धर्मगुरु भी उसमें शामिल है, उसको तो पुलिस ही अरेस्ट कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं
मैं जो भी गलत होता हूँ सब में बोलता हूँ, या तो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा ये घटना के ऊपर आपने नहीं बोला। सो आरोप लगाना किसी के ऊपर में बहुत आसान है, और हम बगैर तथ्य के आरोप लगाते हैं, ये हमारा व्यवहार हो चुका है। मुझे लगता है हमको उसमें भी कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। आज दार्जिलिंग आउन त बहुत बार आई सके, आज दार्जिलिङ को विषय में म आफ्नो मनले र मुखले व्याख्या गर्न नसक्ने अवस्था में छु। यहाँ जो स्वागत दार्जिलिङ का जनता जनार्दन देखि लिएर लोकप्रिय नेता, यहाँ हाम्रो मेम्बर अफ पार्लियामेंट राजु विष्ट सर देखि लिएर युनिकी धाम का गुरु योगीजी महाराज, सबै समिति द्वारा जस्तो सुस्वागत भयो यो पवित्र पावन भूमि देशमा, सारा भारतवर्षको यसलाई के भनिन्छ रूप अफ दि वर्ल्ड, संसारको मुकुट मानिन्छ दार्जिलिङ। यो रूप यो मुकुटलाई यस्तो सभ्यता पवित्रता आनन्दता, यहाँ सनकादि 88,000 ऋषिहरूले यहाँ तप गरेको तपस्थली कञ्चनजङ्घा उता गएर सबै टिस्टा नदीदेखि लिएर माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथासम्म को यो एउटा लिङ्क छ। यो लिङ्क हिमाचल प्रदेशदेखि लिएर उत्तराखण्ड हिमालय क्षेत्र पवित्र पावन भूमि यो धरती, यो दार्जिलिङको भूमि, यो धरतीमा आउँदा मलाई अति आनन्द लाग्यो, खुसी लाग्यो। र यसमा कतिपय चिजहरू अब हामीले आउने समयमा यस्तो विकसित हुनुपर्दछ। लोकप्रिय नेता तपाईँहरूले चुन्नु भएको छ, राजु विष्ट सर अहिले मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट, उहाँले जुन विकासको क्षेत्रमा लगिबक्सेको छ, हाम्रो योगी युनिटी धामबाट गुरु महाराजले सबैलाई एकता सङ्गठित एक 11 बनाएर मजबुत बनाउनु भएको देख्दा मलाई अति हर्षित भयो। यो हर्षित भएकोले गर्दा भाइचारा एकता अखण्डता बनिरहोस्, जाति जनजाति आदिवासी सबै एकजुट भएर एक काँधमा काँध मिलाएर यसलाई विकासको अगाडि बढाउने र धर्मलाई अगाडि बढाउने, यो दार्जिलिङका जति मात्र नभएर यो क्षेत्रका सबै प्रान्तका जनताहरूले सुखी रहन् खुसी रहन् शान्ति समृद्धि र एकताको एक 11 भएर मजबुत हुन् 5 अम्ली 1 मुक्का भएर बस्न सकुन्, यही भन्ने म भन्दै उहाँहरूलाई सबैलाई हार्दिक अभिनन्दन र महाकाल बाबाको चरणमा कोटि कोटि प्रणाम। महाकाल बाबा सेवा समितिका सबै पदाधिकारीगण, युनिटी धामका पदाधिकारीगण र यहाँ आज आउनुभएका सबै जाति जनजाति आदिवासी र पत्रकार मिडिया सबैलाई म हार्दिक मेरो तर्फबाट अभिनन्दन र प्रणाम गर्न चाहन्छु। म यति भन्दै सुख शान्ति समृद्धि बनिरहोस् र आउने दिन सबैको एकता अखण्डता गोर्खाहरूको मुकुट यो बनेर जाओस् भन्ने कामना गर्दै म आजलाई यतिमा बिदा लिन चाहन्छु। जय हिन्द, जय भारत, धन्यवाद। कति दिन म मात्र एक राति उहाँ बाबाजीको निमन्त्रणामा सरको निमन्त्रणामा आएको, अब उहाँ बाबाजीका जो निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै मेरा धेरै कार्यहरू छन्, ती कार्यहरूमा भोलि आपसमा मैले जानु पर्छ। गर्भथानमा पहिलोचोटि केही सिक्न र केही गर्न चाहनेहरूको निम्ति बेलिफ्लेम युनिसेक्स सेलोन एन्ड एकाडेमीले सबैभन्दा कम मूल्यमा 3-5 महिनाको बिगिनर हेयर ड्रेसर एन्ड ब्युटिसियन बेसिक एन्ड एडभान्स डिप्लोमा कोर्स इजी एएमआई अनि प्लेसमेन्ट फेसिलिटीको साथमा तपाईँको अघि ल्याएको छ। यस्तो सुनौलो मौका नचुकाउनुहोस्, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाईँ पहिलो 5 विद्यार्थीहरूभित्र पढ्नुभयो भने 2 महिनासम्म 10,000 पढ्ने कोर्स निशुल्क सिक्न सक्नु हुनेछ। बिगिनर हेयर ड्रेसर एन्ड ब्युटिसियन बेसिक एन्ड एडभान्स डिप्लोमा कोर्स सँगै हेयर कट्स, कलरिङ, हाइलाइट्स, केमिकल एन्ड नन केमिकल ट्रिटमेन्ट्स, स्ट्रेटनिङ, स्मुथनिङ, क्यारेटिन, बोटोक्स ट्रिटमेन्ट साथै हेयर केयर नलेज सिक्न पाउनुहुनेछ। चाँडै सम्पर्क गर्नुहोस् बेलिफ्लेम युनिसेक्स सेलुन एन्ड एकाडेमी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9883031287 अनि 7411646596।